हाय गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो नहा धो के तो जैसे हर दिन रेडी होता है वैसे रेडी हो चुके हैं, और ब्रेकफास्ट वगैरह तो नहीं हुई है, ब्रेकफास्ट मम्मी बना रही है। और पता नहीं आज कैसे से मौसम अचानक से ख़राब किया और थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही है। अगर आपको क्लियरली दिख रहा होगा तो पता चल रहा होगा बारिश आएगी, ऐसे तो सिचुएशन नहीं था, लेकिन कैसे से आ गया वो तो पता ही नहीं। तो अभी मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है कि आज क्या करना है, कहीं जाना है कि कुछ करना है। तो वीडियो एडिटिंग का काम हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन भाई वगैरह थोड़ा वीडियो आने में डिले क्यों हो रहा है, बहुत सारे लोग वगैरह भी पूछ रहे हैं मेरे को। लेकिन एडिटिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है, जो हम लोग का जो ऐप से हम लोग एडिट कर रहे हैं, हम लोग तो नॉर्मली फ़ोन ही से कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि वो ऐप क्रैश हो जा रहा है बार बार, तो एडिटिंग में हम लोग को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इसी के वजह से हम लोग को वीडियो आने में थोड़ा लेट हो रहा है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग भी, पूरी कोशिश वगैरह तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन मेन तो वही है, फ़ोन मेरा भी ठीक नहीं है और मेरे को तो अपना ब्लॉग एडिट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, तो वो एडिट करने के लिए तो और ज़्यादा दिक्कत होना पड़ेगा, जुगाड़ भिड़ा के कुछ तो करना ही पड़ेगा। फ़िलहाल घर से निकले हैं और देख रहे हैं कहीं जाने का, लेकिन अभी रोड के साइड में जा रहे हैं। फ़िलहाल तो भाई के घर आए थे, तो वो वाले जो भाई हैं वो तो पबजी खेलने में व्यस्त हैं और कॉल ब्लॉक करके खेल रहे हैं, तो उनका कॉल तो लग ही नहीं रहा है। तो अभी भाई लोग के पास है और वीडियो एडिटिंग जो आधा हुआ था वो ऐप क्रैश हो जा रहा था बोल के फिर से एडिटिंग करने के लिए तो प्रॉपर तरीके से तैयार हो रहा है सब चीज़। तो कितना दिन में आएगा वो तो गारंटी के साथ नहीं बोल सकते, लेकिन जल्दी से जल्दी करने का ट्राई करते हैं हम लोग। तो फिलहाल शायद भाई जहाँ पे गए थे वहाँ से तो आ गए होंगे, तो उनके ही घर वो वाले साइड पे जा रहे हैं, तो वो आ गए होंगे तो एडिटिंग स्टार्ट कर देंगे हम लोग। सोचे थे कि वो आ गया होगा, लेकिन अभी तक तो नहीं आया है और कितना टाइम लगेगा पता नहीं, सिचुएशन पूरा बोरिंग वाला है। फिलहाल तो मैं घर जा रहा हूँ, तो कॉल किए थे तो उसको और एक घंटा के आसपास लगेगा आने में, तो उतना देरी क्या करते हैं, मेरे को ऐसे भी भूख लग रहा है और लंच का टाइम हो ही गया है, इसे ही मेरे को भूख लग रहा था, लेकिन हम सोचे कि एडिट कर लेंगे फिर खाएंगे। पर वो तो इतना देर कर रहा था तो मेरे को भी भूख वगैरह लग रही, तो आ गए हैं, मम्मी को खाना वगैरह मांगेंगे। एडिट करने का टाइम लगभग मेरे हिसाब से जा ही रहा है धीरे 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 धीरे। लंच वगैरह किए फिर सो गए थे थोड़ा देरी, लेकिन बारिश ऐसे वाला सीन कर दिया है अभी, तो बारिश रुकने का नाम क्या, अभी और ज़्यादा आने लगा है, पूरा भिंगा देगा मतलब, और कहीं जा भी नहीं सकते हैं आज तो, पूरा घर में ही रहना है और करंट भी नहीं है ऊपर से। लंच वगैरह तो मैं 11 बजे के आसपास ही कर लिया था, लेकिन अभी और ज़्यादा भूख लग रहा है, इसी की वजह से अभी तो दुकान जा रहे हैं कुछ लेके आएंगे, बिस्किट वगैरह कुछ लेके आएंगे, बिस्किट वगैरह भी ख़त्म हो गई थी। और बारिश का तो क्या बोले, अभी तक बारिश ख़त्म नहीं हुई, 2 घंटा 3 घंटा से ही बारिश लगातार आ रहा है। टेढ़े मेढ़े वगैरह पीनट्स वगैरह लेके आए हैं, तो अभी तो बारिश वगैरह आ रही है, कहीं बाहर जा नहीं सकते हैं, बारिश ख़त्म होती है फिर देखते हैं बाहर जाना है या नहीं। 4 बजे के आसपास हो रहा है टाइम और अभी तक बारिश रुकी नहीं है, ऐसी बारिश में भाई का घर जा रहे हैं, तो आज एडिटिंग तो मेरे हिसाब से नहीं हो पाएगी। और ब्लॉग क्या कैसे ऐसे में कैसे बना सकते हैं ब्लॉग, मेरे को भी समझ नहीं आ रहा, तो पता नहीं कुछ आइडिया वाइडिया मिल नहीं रहा है मेरे को। तो भाई होंगे नहीं होंगे वो तो देखते हैं, भाई अपने घर में नहीं, वो बड़ी मम्मी लोग के घर में गए हैं, तो वहाँ पर हैं वो लोग। तो फिलहाल हम लोग की जो आइस क्यूब वाली मस्ती है तो फिलहाल तो हम लोग फुटबॉल देख लेके जा रहे हैं, लेकिन आज हो रही है कि नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन मस्ती मजाक करते करते जा रहे हैं, तो डायरेक्टली हम लोग वो कॉलेज वाले रास्ते से आते हैं, वही वाले रास्ते से जाएंगे अभी। तो फिलहाल हम लोग का ट्रेजर रेडी हो चुका है, वही का काम कर रहे थे बोल के थोड़ा लेट हो गया हम लोग को, अभी 4:30-5 बजे के आसपास हो रहा है मेरे हिसाब से। ट्रेजर आज अपलोड हो जाएगा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो फिलहाल हम लोग आधे से ज़्यादा रास्ते तक पहुँच गए हैं, तो ये जो रास्ता है वो 3 नंबर वाला रास्ता में हम लोग जस्ट अभी थोड़ा देर में पहुँच जाएंगे। तो फिलहाल और ज़्यादा नहीं, 100 मीटर या 200 मीटर के दूर है। फिलहाल हम लोग अपने डेस्टिनी में पहुंच चुके हैं, तो फुटबॉल वगैरह हो रही है यहाँ पे, तो आज हम लोग बहुत दिन के बाद ये वाले फील्ड में आए और देखते हैं थोड़ा क्या है व्यू यहाँ पे। तो मैं घर वाले रास्ते में हूँ, तो डायरेक्ट भैया लोग आ रहे थे, तो वहाँ पर वीडियो शूट वगैरह नहीं किए, डायरेक्ट फुटबॉल ख़त्म हुआ कि फुटबॉल ख़त्म नहीं हुआ था, थोड़ा रात हो गया है लेकिन भी चल ही रहा था, देखते देखते तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जा रहा था और घर भी पहुंचना था मेरे को, और जो कैमरे वगैरह लिए थे वो लोग भी कैमरे वगैरह ला देंगे वो थोड़ा देर में। फिलहाल घर वगैरह पहुंच गए हैं, तो आज का जो जो भी हुआ वो तो आपको पता ही चल ही गया। तो फिलहाल अभी ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है क्योंकि एडिटिंग वगैरह करेंगे। होप वीडियो आपको पसंद आया हो, तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, अभी के लिए बाय बाय।